सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मौका मिला है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ पेश होने का। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी जो बोलने की जो स्पीड होती है वो आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोलते हो। तो चूँकि ये जो है मेरी नेचुरल स्पीड है, तो अगर आप उसको कम स्पीड से सुनना चाहते हो तो आपको नीचे यहाँ पे सेटिंग में एक ऑप्शन मिल जाता है, उसकी स्पीड आप कम कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इस स्पीड के साथ भी सुन सकते हो। मेरे ख्याल से आपको जो मेरी बातें हैं वो समझ में आ जानी चाहिए इस स्पीड से। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एडमिशन इस साल चाइना में हो गई है तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस किस तरीके से आप वीज़ा का जो प्रोसेस है या फिर टिकट बाय करने का तरीका है, इसके हवाले से मैंने जो है ना काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैंने उस वीडियो में उन सब वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आपको वो वीडियो लाजमी देखनी है। उस वीडियो का लिंक आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप वीचैट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीचैट ग्रुप का जो QR कोड है वो भी अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप उसको स्कैन करके आप वीचैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हैं चाइना के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, या टिकट के हवाले से, या यहाँ पे चाइना में जो आपका जो पहला दिन होगा यहाँ पे, तो उस हवाले से आप वहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हो। काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपको गाइड करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइना में काफ़ी मुझे बंदों ने जो है मुझे एक्सेस किया है कि यार उनके साथ फ्रॉड हो गया, उन्होंने बैचलर्स जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, इवन के मास्टर्स या PhD के लिए भी अप्लाई किया था, उनके साथ एजेंट्स ने जो है ना फ्रॉड किया। तो मैं आपको काफ़ी वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है कि आप जो है वो एजेंट से दूर रहें। मैंने काफ़ी जो है तरीके बताए हुए हैं आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप बैचलर स्कॉलरशिप या मास्टर या PhD स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, उसने बताया कि उसने फ़ीस जो है वो एजेंट के हाथों यूनिवर्सिटी को सबमिट की थी, लेकिन वो फ़ीस यूनिवर्सिटी को नहीं मिली। तकरीबन कोई 2 सालों की फ़ीस थी तो वो यूनिवर्सिटी को रिसीव नहीं हुई। तो ये एक किस्म का फ्रॉड आप कह सकते हो। उसके अलावा बाकी दूसरे फ्रॉड भी हैं, मतलब कि एजेंट को आपने पैसे दे दिए, आपकी एडमिशन नहीं हुई, आपका 1 साल ज़ाया हो गया या 2 साल आपके ज़ाया हो गए, तो ये मतलब कि इस तरह के यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। और सबसे बड़ा जो फ्रॉड आजकल जो हो रहा है कि एजेंट्स जो है ना आपको ऐसी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ में बेचते हैं या ऐसी छोटे सिटीज़ में बेचते हैं जहाँ पे मतलब कि आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अभी मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसे सिटी में उसकी एडमिशन हुई है, वहाँ पे जो मेडिकल जो है ना, मेडिकल जो बंदा करवाता है यहाँ पे, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन जो टेस्ट होते हैं, वो ऑफिस भी या वो हॉस्पिटल भी वहाँ पे सिटी में मौजूद नहीं है, उसको फिर दूसरे सिटी जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ अभी वो उसको 10 से 12 दिन हो गए अपने सिटी में, उसको अभी तक डॉर्मेट्री नहीं मिली, वो होटल में रह रहा है। तो इस तरह के यहाँ पे एजेंट्स फ्रॉड करते हैं। तो आप अगर एजेंट्स के हाथों एडमिशन करवाते हो तो आपको कम से कम अपने सिटी के हवाले से या अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ी जो है ना वो सर्चिंग करनी है कि आपका सिटी कैसा है, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पहुँच जाएँ फिर आपके लिए मसला हो जाए, आपने एजेंटों को पैसे दे दिया, आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी दे दी और आपको अपने सिटी में मज़ा नहीं आया, तो ये आपको काफ़ी जो है ना ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। बाकी अगर आप ख्वाहिशमंद हैं सेल्फ पे पढ़ने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज या बैचलर्स प्रोग्राम, तो जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, तो उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। वो यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, वो सिटी भी बड़ा ज़बरदस्त है, टूरिस्ट सिटी है, ग्वांगशी प्रोवेंस गुइलिन सिटी है उसका, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक भी आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप पैसे पे करके पढ़ना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी को अपनी कंसीडरेशन में रख सकते हो। आप इस हवाले से ज़्यादा सर्चिंग वेब पे कर सकते हो। उस यूनिवर्सिटी की तकरीबन कोई 3 से 4 जो इंटरनेशनल बैचेज़ हैं वो पास आउट हो गई हैं, और HEC हायर एजुकेशन कमीशन के पास भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज है, तो आपकी डिग्री वहाँ से इजीली वेरीफाई हो सकती है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके एडमिशन वगैरह करवा सकता हूँ। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये कि अगर आप चाइना आ रहे हो, ये बात खासकर न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप चाइना आ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में बताई हुई हैं, वो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ कोशिश करनी है कि आपको जो है ना वो मस्जिद में या आपकी जो मजहबी जो जगह है वहाँ पर करनी है। आप हॉस्टल में या आप किसी चाइनीज़ के साथ या उसके रूम पर आप नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक वाक्या हुआ है, एक बंदा पाकिस्तानी जिसने एक चाइनीज़ का उसका रूममेट था, उसने वहाँ पे जो है वो नमाज़ पढ़ी, तो उस चाइनीज़ ने कंप्लेन कर दी। कंप्लेन करने के बाद उस बंदे को 3 दिन के लिए गायब कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, पुलिस की तरफ से और जो हसास जो इदारे हैं उनकी तरफ से 3 दिन के लिए उसको गायब कर दिया गया। और बायकायदा उसकी जो है ना वो अच्छी खासी क्लास ली गई कि आपने ये क्यों किया, आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं है ये। तो मेरा
वीडियो का बनाने का मकसद वो ये है कि आपको उन चीज़ों से परहेज करना है। अगर आपको नमाज़ पढ़नी है या मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है तो आप मस्जिद में करें। मस्जिद में ये मना नहीं करते, आप 5 वक्त चाहें तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो मस्जिद में, कोई मसला नहीं है, वहाँ पर आपको कोई मना नहीं करता। इवन कि अगर आप अकेले रहते हो अपने रूम में तो आप अपने रूम में नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे या कोई चाइनीज़ है उसके सामने तो उस चीज़ से आपको परहेज करना है। और इसके अलावा आपको इलीगल जॉब से भी बचना है। काफ़ी यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो आप प्रोफेसर के साथ मिलके या यूनिवर्सिटी जो इंतज़ामिया है उनके साथ मिलके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर कोई जॉब करते हो तो पकड़े जाते हो तो काफ़ी जो है वो मसला होता है। यहाँ पे रिसेंटली अभी छापे वगैरह लग रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं, उन पे उन्होंने जुर्माना लगाया है और काफ़ी को रिपोर्ट वगैरह भी किया हुआ है। तो इस चीज़ से भी आपको जो है ना परहेज करना है खुद को कि ये चीज़ें आजकल यहाँ पे हो रही हैं ज़्यादा। और इसके साथ साथ एजेंट्स यहाँ पे जो है ना आपसे पैसे लेते हैं और आपसे जो है ना वो गलत बयानी करते हैं। वो उस तरह करते हैं कि आपको बोलते हैं कि भाई आपकी जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और जब आप चाइना आते हो तो आपको यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, ट्यूशन और हॉस्टल आपका फ्री होगा। लेकिन स्टूडेंट जब यहाँ पे पहुँचता है तो कोई ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती। ऐसे भी काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे कंप्लेन की है यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हम जब अपने कंट्री से यहाँ पे आए तो एजेंट बोला है कि आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जब हम अपने कंट्री में थे तो हमें उसने बोला कि भाई आपकी स्कॉलरशिप है, जब यहाँ पे पहुंचे तो कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो उस तरह के भी केसेस यहाँ पे मिले हैं, ये केसेस शुरू से लेके हैं, जब हम भी यहाँ पे आए थे शुरू में उस टाइम पे भी इस तरह के केसेस आए थे सामने। आजकल फिर ऐसे केसेस जो है ना वो आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, आपको एजेंट के जानसे में नहीं आना, सही तरह से आपको रिसर्च करनी है अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से। अगर आपको एजेंट कोई एडमिशन नोटिस वगैरह देता है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है तो आपको यूनिवर्सिटी को ज़रूर कॉल करनी है, आपको यूनिवर्सिटी से ज़रूर पूछना है कि वाकई आपकी जो एडमिशन है वो स्कॉलरशिप पे है या सेल्फ फंडेड पे है। क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी JW देखे हैं, एजेंट आपको बोलते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप है लेकिन JW पे स्कॉलरशिप मेंशन नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है? तो उस बात का आपको ख्याल रखना। तो ये थी आज तक की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चाइना के वाले सीखी होंगी। तो अगर आपका फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो या आप WeChat ग्रुप ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।